आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज, मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। आज गुना में एकल विद्यालय अंचल समिति द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता में समिति द्वारा बताया गया कि 26 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक बाल गोपाल समागम एवं वनोत्सव 2018 का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 26 फरवरी को एकल विद्यार्थियों का स्वागत एवं नगर रैली निकाली जाएगी। इस आयोजन में मुख्य अतिथि राघवेंद्र शर्मा, अध्यक्ष मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग एवं एस के शुक्ला, महाप्रबंधक NFL विजयपुर होंगे। इसमें गुना के आसपास के विभिन्न वनवासी बंधुओं के 400 बच्चों का गुना आगमन होगा। इस आयोजन में वनवासियों द्वारा एक प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जाएगा। जैसा कि शिक्षा सभी जगह होती है और हम सभी वनबंधुओं को शिक्षित कर रहे हैं, लेकिन हम एकल अभियान के माध्यम से सिर्फ वनबंधुओं को शिक्षित नहीं कर रहे हैं, इसके माध्यम से हम संस्कारित करते हुए शिक्षित कर रहे हैं, क्योंकि जीवन में संस्कार बहुत ही आवश्यक है। एकल अभियान पंचमुखी शिक्षा के माध्यम से दूरस्थ ग्रामों में जो वनवासी बंधु हैं उनके बीच अल्प सुविधाओं के माध्यम से विद्यालय चलाते हैं, जिसमें प्राथमिक शिक्षा, आरोग्य शिक्षा, जागरण शिक्षा, संस्कार शिक्षा एवं ग्राम विकास शिक्षा, इस तरह से पंचमुखी शिक्षाओं के द्वारा हम बच्चों को संस्कारित करते हुए और उनके उत्थान के लिए कार्य करते हैं। इसी तारतम्य में 26 तारीख को बाल गोपाल समागम एवं 27 तारीख को वनोत्सव कार्यक्रम का आयोजन गुना शहर में किया जा रहा है, जिसके संबंध में 26 और 27 को ये बाल गोपाल समागम एवं वनोत्सव 2018 का आयोजन कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से जो विद्यालय हम एकल विद्यालय एकल अभियान के अंतर्गत चला रहे हैं, जिनकी की संख्या 270 है गुना अंचल में, उन 270 विद्यालयों से लगभग 400 की संख्या में छोटे बच्चे, लगभग 10 साल की उम्र के बच्चे जो है गुना आ रहे हैं, तो उन वनवासियों के बच्चे, और वो बच्चे जो है गुना के सामान्य जन जो हैं उनके घरों में एक दिन का निवास करेंगे। और उद्देश्य ये है कि जो वनवासी लोग हैं उनकी संस्कृति को गुना का समाज समझ पाए, समझे, और वो वनवासी लोग जो हैं वो गुना की संस्कृति को और गुना के लोगों को जाने के वो उनका किस तरह का जीवन पद्धति है, कैसा वो जीवन जीते हैं, कैसा, और उनके बीच में एक सामंजस्य बने, एक समाज में एका हो, समाज में जो है उनको ये बात पहुंचे उन तक कि गुना का समाज जो है उन वनवासी समाजों की चिंता करता है, परवाह करता है। और उसके पश्चात जो है एक दिन के पश्चात बच्चे जो है वापस आएंगे और कार्यक्रम जो मुख्य कार्यक्रम स्थल है श्याम प्रसाद मुखर्जी खेल प्रशाल, वहाँ पर बच्चों का एकत्रीकरण होगा। और उस दिन जो है ये जिन जिन ग्रामों में ये विद्यालय चलते हैं उनसे वहाँ एक ग्राम समिति बनाई हुई है हमने, ताकि वो जो है उन विद्यालयों की वो चिंता करें और उन विद्यालयों को यदि किसी चीज़ की आवश्यकता है तो वो ग्राम समिति जो है उनको एक हेल्प करती है। तो उन ग्राम समिति के लोग 27 तारीख को जो है यहाँ आएंगे और उनके साथ में जो है जो लोक कलाकार हैं या जो लोक संस्कृति है, जो लोक गीत है, लोक गायन है, जो कि हमारी प्राचीन बहुत धरोहर है और हजारों वर्षों से जो है हमारे वनवासी क्षेत्रों में वो संस्कृति जो है निवास करती है। महज आश्वासन के दम पर चल रही नारायणपुरा स्थित शक्कर फैक्ट्री, एक लंबे अरसे से कर्मचारी इसलिए परेशान है कि उन्हें समय पर तनख्वाह नहीं मिलती। कई बार आंदोलन करने के बाद भी कर्मचारी को मिलता है सिर्फ आश्वासन। हम बात कर रहे हैं नारायणपुरा स्थित शक्कर कारखाने की, जहाँ पर एक अरसे से कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली और ये कर्मचारी बिना सैलरी पर यहाँ पर काम करने को मजबूर हैं, ना ही कहीं जा सकते हैं और ना ही काम छोड़ सकते हैं और ना ही इनको पैसा मिल पा रहा। आलम यह है कि कई तो गरीबी की कगार पर आ गए हैं और उनके घरों में खाने को भी कुछ नहीं, इधर उधर से उधार मांग कर काम चलाना पड़ रहा। इसी फैक्ट्री के विवादों के चलते राधोगढ़ विधायक जवर्धन सिंह सड़क पर आ गए थे। ये आंदोलन भी सिर्फ आश्वासन के चलते खत्म कर दिया गया।
लेकिन इन गरीब कर्मचारियों को पैसा कब मिलेगा और कैसे मिलेगा यह बताने वाला कोई नहीं। कर्मचारियों का आरोप है कि 2014 और 15 को इनका पीएफ कटना भी बंद हो गया और जो पीएफ का मैसेज आता था वह भी बंद हो गया। वहीं कर्मचारियों की माने तो कुछ समय पूर्व आलम खान और महबूब खान नाम के दो व्यक्तियों को नारायणपुरा शक्कर फैक्ट्री किराए पर दी थी। वहीं फैक्ट्री प्रबंधक का इन कर्मचारियों से कहना है कि 1,70,000 शक्कर की बोरियां उठाकर ले गया और आज दिनांक तक कोई भी पैसा नहीं दिया गया। कर्मचारियों का आरोप है कि अगर ऐसा कुछ हो सकता है कि कोई 1,70,000 शक्कर की बोरियां ले जाए और पैसा ना दे और मालिक चुपचाप देखता रह जाए। आज इसी के चलते नारायणपुरा शक्कर कारखाने के कर्मचारी जिला कलेक्टर राजेश जैन के समक्ष गुहार लगाने पहुंचे और उनसे निवेदन किया कि उनकी परेशानियों का जल्द से जल्द निराकरण कर दिया जाए क्योंकि कई लोग तो भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। अब देखना ये होगा कि जिला प्रशासन किस तरह से हस्तक्षेप करके इन लोगों का इनको पैसा दिलवाता है। वो कहाँ है तुम्हारा प्रेस नोट आगे कर लो। दिसंबर से मेरा पिछला 2016 से नवंबर दिसंबर से अभी तक मेरा पेमेंट बाकी है। सबका पेमेंट पूरे कर्मचारियों का बाकी है और कर्मचारी मांग रहे हैं तो बोले कि दे देंगे, आज दे देंगे, कल दे देंगे। तीन तीन में हड़ताल किया तो बोले कि 10 तारीख से पेमेंट बांटना शुरू कर देंगे, 10 फरवरी से, लेकिन अभी तक नहीं दिए इन्होंने। अब क्या कह रहे हैं, पैसा नहीं है, जबरदस्ती बोले कि मिल चलाओ। जबरदस्ती कैसे में चल रहा है और दवाई डाला जा रहा है और कह रहे हैं कि काम करना तो करो नहीं तो छुट्टी कर लो। और लगभग ये लगभग 1,70,000 बोरी 60-70,000 बोरी बना दिए इन्होंने। 50,000 की कितना पेमेंट बाकी होगा आप लोगों का? पेमेंट लगभग 1.5 करोड़ के आसपास बाकी है, लमसम 1,00,000-1,25,000 मतलब किसी सभी कर्मचारियों का बाकी है। अब बार बार हम जाते हैं तो आश्वासन देते हैं कि भाई फैक्ट्री चलाइए आप, आपको पूरा पैसा मिल जाएगा, लेकिन देने का कोई नाम नहीं है। हमने कहा कि भाई आप तो जो भी हमारा क्लियर कर दीजिए, हमें काम नहीं करना है, लेकिन वो फिर भी तैयार नहीं है। बोले तो आप तो काम करिए, आपको पैसा मिल जाएगा और एक एक पैसा मिल जाएगा, बस आश्वासन दे रहे हैं। कौन देता है आश्वासन? आप जीएम साहब, पीआर भट्ट साहब, जिस समय हड़ताल की थी शासन को भी सूचित किया था, प्रशासन को भी सूचित किया था, किंतु उसके बाद वो आश्वासन देके चले गए थे कि 12 तारीख से आपका रिटर्निंग डल जाएगा, लेकिन आज तक कोई आश्वासन ही रहा है। दो साल से हमारा पीएफ का भी कोई नहीं क्लियर किया, पीएफ जमा नहीं किया। हम लोगों का पीएफ पूरा काट रहे हैं फिर भी जमा नहीं कर रहे हैं, 8 साल 3 साल से लगभग यही चल रहा है। कहना गलती से दूसरे खाते में डल गया पीएफ, अब आ जाएगा और पीएफ का मैसेज भी बंद करवा दिया इन्होंने। आलम खान महबूब खान को फैक्ट्री किराए पे दी थी, वो फैक्ट्री से शक्ल लेकर चला गया 70,000 बोरी पूरी, उसके बावजूद कह रहा वो पैसे दे के नहीं गया। 1,70,000 बोरी लेकर चला गया, कह रहा पैसे दे के नहीं गया। ऐसा कौन सा आदमी है जो बोरी दे देगा शक्कर की वो पैसे नहीं लेगा? पीएफ का कितना पैसा शेष है? 15,000 भुजरिया तालाब बचाव समिति के सदस्य आज जिला कलेक्टर से गुहार लगाने पहुंचे कि भुजरिया तालाब के अस्तित्व को जल्द से जल्द बचाएं क्योंकि इसके अंदर कटने लगी हैं कॉलोनियां और बनने लगे हैं मकान। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि जिला कलेक्टर ने उनके साथ अभद्रता की, साथ ही जब कार्यकर्ताओं ने एनजीटी की गाइडलाइन दिखाई जिसमें एनजीटी ने भुजरिया तालाब पर किसी तरह के निर्माण पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा रखा है, इसके बाद भी जिला कलेक्टर ने उनके साथ अभद्रता की। वहीं जिलाधीश से बात करने पर उन्होंने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया और साथ ही कह डाला कि यदि किसी भी तरह की अभद्रता कलेक्टर प्रांगण में की जाएगी तो उसको शासकीय कार्य में बाधा माना जाएगा। उधर भुजरिया तालाब बचाव समिति के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर पर संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि इस मामले में जिलाधीश राजेश जैन ने एसडीएम को इस मामले में संज्ञान लेने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि एनजीटी भुजरिया तालाब में बन रही कॉलोनी और मकानों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा रखा है जिसके चलते यहां कोई भी मकान नहीं बन सकता, जबकि वहां आज भी मकानों का कार्य प्रगति पर नजर आता है। कोई फांसा बताने आए तो गलत जमान पकड़ ले भाई, मेरी जमान पकड़ ली उसने, वो काहे कितना काम की मेरे, मेरा एक भी काम किया तो बताओ क्या काम मेरा? मैं तो यहां पे ये कहने आया हूं कि ये जमीन सरकारी है, लोग इसको बेच खा रहे हैं, अपनी जमीन बचा लो। मैं आपका काम कर रहा हूं, जो आपको करना चाहिए वो मैं काम कर रहा हूँ। मेरी गिरवान पकड़ के कह रहे कि हमने तुम्हारे 100 काम किए, क्या काम किया बताया भी, काम मेरा काम क्या होता, मेरा काम होता क्या है? आप भी जानते हैं मीट मार्केट तालाब सब कुछ वैसा का वैसा पड़ा हुआ है। तो गिरवान पकड़ना यार, कैंटर का सरे आम आतंक है तो भाई प्रशासनिक आतंक है,
किसी का गरबान पकड़ लेना। आज कोई समस्या लेके आया है और समस्या मेरी निजी नहीं है, मेरे को नौकरी नहीं चाहिए, मेरे को ट्रांसफर नहीं चाहिए, लाइसेंस नहीं चाहिए, पावर का दुरुपयोग है सीधा सीधा। मैं कह रहा हूँ कि सरकारी जमीन लोग कब्जा कर रहे हैं, बचा लो भैया, गिरवान पकड़ रहे हैं। और जो एक मिनट सर, क्यों गिरवान पकड़ रहे हैं, क्यों गिरवान पकड़ रहे हैं? क्योंकि सरकारी जमीन जो जनता की जमीन है वो किसी निजी आदमी की होने वाली थी, उसमें कमीशन है, बिना मिले जुले कुछ संभव नहीं है। आज तालाब की जमीन यदि कॉलोनी कट रही है तो सिर्फ इसलिए कि सब मिले जुले हैं, सबके बराबर के कमीशन है। और कोई आदमी शिकायत लेकर पहुंच रहा है, आप गिरवान पकड़ रहे? एक कलेक्टर गिरवान पकड़ सकता है किसी की? ये है लोकतंत्र, ये है हमारा नौकर। अरे हमारा नौकर, हम इस देश के मालिक हैं। भारत के संविधान में लिखा है कि भारत के संविधान ने इनकी नियुक्ति की, और भारत के संविधान की पहली लाइन है, हम भारत के लोग, वी पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, जिनने संविधान बनाया उसी संविधान के तहत इनकी नियुक्ति हुई है। नौकर है, तनख्वाह लेते हैं, पेंशन लेंगे, आवेदन किया था तब नौकरी मिली है, खेली किसी तब नौकरी मिली। अभी हम कलेक्टर से मिलने गए कि ये सरकारी जमीन है तालाब की, इसमें लोग कॉलोनी काट रहे हैं, वो हमारे गिरवान पकड़ने लगे। उन्होंने कहा आप क्या करेंगे, हम क्या करें? हमने कहा हम तो ये कह रहे हैं एनजीटी का आदेश है, एनजीटी का रंगा आदेश का पालन करो। उल्टी करके गिरवान पकड़ कहते हैं तो आप बताइए हम क्या करें? हम बताएंगे हम क्या करें, आप क्या करें, प्रशासन क्या करेगा, जनता बताएगी। सरकारी जमीन को औने पौने दाम पे बेच रहे हो और कोई उठ के खड़े होता है उसको गिरवान पकड़ते हो? अरे हम आतंक है ये तो। हम आज से इस कलेक्टर को कलेक्टर माने से इनकार करते हैं, कल को कोई समस्या भी होगी तो कलेक्टर कुत्ते को दे जाएंगे, चपरासी को दे जाएंगे, अपन इस राइस टीम को नहीं देंगे। सर यहाँ भ्रष्टाचार। ये दो चार पांच लोग ज्ञापन देने आए थे भजरिया तालाब के संबंध में, तो ज्ञापन दिया है, उसमें एसडीएम को निर्देशित कर दिया गया है। बाहर जाकर उन्होंने चिल्ला चोट की, चिल्ला चोट क्या की है वो हमें जानकारी नहीं है, और अगर शासकीय कार्य में कोई बाधा डालेगा तो उसमें शासकीय कार्य में बाधा का प्रकरण दर्ज कर आरोप लगाएगी उन्होंने कि गिरवान वगैरह पकड़ी तो ऐसा होना। सर भुजरिया तालाब में सर किस चीज़ का ज्ञापन है? ये भुजरिया तालाब में ग्रीन ट्रिब्यूनल का कोई आदेश है, इसके संबंध में उनका कहना है कि कुछ जगह कोई फसल वसल काटी गई है, उसके संबंध में ज्ञापन दिया, तो एसडीएम को बुला के हमने तत्काल जाँच के लिए बोल दिया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की कोशिश के चलते गुना में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि किसी शासकीय कर्मचारी पर किसी मंत्री ने हाथ ना उठाया हो। वहीं भाजपा के राज में ये बात तो आम है, जहां मुख्यमंत्री और विधायक कहीं भी किसी भी शासकीय कर्मचारी पर सार्वजनिक रूप से मारपीट करते नजर आते हैं, इसके बाद भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। वहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार दिल्ली में अपनी हार को पचा नहीं पा रही, जिसके चलते आए दिन षड्यंत्र रच रही है, आम आदमी पार्टी का नाम खराब किया जा रहा है। पार्टी के काम कर लेते हैं, सरकार को काम कर लेते हैं, ताज बदल दो और क्या सरकार को तपोर, क्या सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, पुलिस के बल पर। दिल्ली की जो घटना है, केजरीवाल जी को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है मोदी सरकार द्वारा, हम उसका पूरे प्रदेश में विरोध कर रहे हैं, जमकर विरोध करेंगे कि अकेले दिल्ली में ही ऐसा क्यों पक्षपात किया जाता है। मध्य प्रदेश में भी शासकीय कर्मचारी पिटे हैं, भाजपा के मंत्रियों ने और विधायकों ने पीटे हैं, उन पर ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? दिल्ली सरकार को इतना स्तर किया जाता है, मोदी जी जब विदेश से आते हैं तब हमारे दिल्ली सरकार के दो तीन विधायकों को जेल में भेजवाते हैं, इस तरीके से इतना अन्यायपूर्वक काम किया जा रहा है, जनता के काम करने के लिए उनको रोका जा रहा है, वो अपनी हार को पचा नहीं पा रहे। केजरीवाल जी से कैसे हार गए, पूरे भारत में डंका पीटा लेकिन दिल्ली में कैसे पिट गए, ये वो पचा नहीं पा रहे। हम उनका जोरदार तरीके से और विरोध करते हैं। नियमितीकरण सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे सविंदर कर्मचारियों ने आज धरना प्रदर्शन शास्त्री पार्क में किया, संविदा नीतियों की अर्थी निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने भाग लिया। आज संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल का छठवां दिन था। ये हड़ताल आगे भी अनिश्चित काल के लिए जारी रहेगी, जब तक कि उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती।
वहीं एक संविदा कर्मचारी ने कहा कि लगातार स्वास्थ्य सेवाओं का सूचकांक नीचे की ओर गिरता जा रहा है, जिसका किसी को भी कोई ध्यान नहीं। राम नाम सच है, शासन अपनी धुन में मस्त है, शासन अपनी धुन में मस्त है, संविदा नीति हाय हाय। हमारी हड़ताल का छठा दिवस है और पूरे मध्य प्रदेश में ये हड़ताल जोर शोर से चल रही है और सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अपने अपने तरीके से विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं। आज गुना में भी हम लोगों ने सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी टीम ने संविदा की नीति की अर्थी निकालने जा रहे हैं और सभी का एक ही विरोध है कि मध्य प्रदेश से संविदा नीति खत्म की जाए और सबका नियमितीकरण किया जाए, जिससे जो हमारे स्वास्थ्य सूचकांक है वो ऊपर उठे, क्योंकि सारे स्वास्थ्य सूचकांक हमारे नीचे जा चुके हैं और हमारी प्रमुख सचिव महोदया को वो दिखाई नहीं देता है कि उनके 2 वर्ष के कार्यकाल में सभी स्वास्थ्य सूचकांक नीचे चले गए। आशा कार्यकर्ताओं की अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन आज भी जारी रहा। अपनी विभिन्न मांगों में सबसे ऊपर इनके नियमितीकरण एवं मानदेय को लेकर सभी आशा कार्यकर्ताओं ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी हैं। आशा कार्यकर्ताओं की माने तो यदि इनकी मांग जल्दी पूरी नहीं की जाती तो आगामी 17 मार्च से सभी आशा कार्यकर्ता काम बंद अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली जाएंगी, जिसके बाद कोई भी काम ये लोग नहीं करेंगे। अब देखना यह होगा कि प्रशासन और सरकार उनकी मांगों को पूरा कैसे करती है। आशा कार्यकर्ता और सहयोगी ये पूरे मध्य प्रदेश के अंदर इनका संघर्ष चल रहा है। न्यूनतम वेतन आशा कार्यकर्ता को 18,000 रुपये दिया, सहयोगी को 25,000 रुपये मासिक न्यूनतम वेतन दिया जाए और जो कल्याणकारी योजना है उनका लाभ दिया जाए। और ये पूरे प्रदेश भर के अंदर आशा कार्यकर्ता और सहयोगी अपने संघर्ष को चला रही है। पिछली 19 फरवरी को भोपाल विधानसभा पर हजारों हजार आशा कार्यकर्ता और सहयोगी ने ये मांग उठाई है और मुख्यमंत्री के को अवगत करवाया है, ज्ञापन भी दिया है। उसके बाद वही आह्वान हुआ है कि अगर सरकार ने इनको कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया और न्यूनतम वेतन का भुगतान करना शुरू नहीं किया तो ये आशा कार्यकर्ता और सहयोगी आने वाली 17 मार्च को पूरे मध्य प्रदेश के अंदर काम बंद हड़ताल करेंगी। ये चेतावनी सरकार को दी है और ये 45वां सम्मेलन जो ऑल इंडिया का होता है, प्रधानमंत्री जिसमें भाषण देते हैं, उसमें सर्वसम्मति से तय हो गया था कि आशा कार्यकर्ता और सहयोगी को कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। प्रोविडेंट फंड काटने का फैसला पिछले साल हुआ है मगर सरकार ने वो लागू नहीं किया है, इसलिए ये ताकत के साथ मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ ये बिगुल फूंक दिया है संघर्ष का आशा कार्यकर्ता और सहयोगी ने। ये गुना में विगत 3 दिन से यहाँ पर आशा कार्यकर्ताएँ बैठी हुई हैं और ये आगामी 17 मार्च को होने वाली हड़ताल की तैयारी कर दी है। समीक्षा बैठक का बहिष्कार कर ग्रामीण रोजगार सहायकों ने जताया विरोध। आरोन तहसील के ग्राम पंचायत रामगिरी कला के रोजगार सहायक रघुवीर सिंह मीना की सेवा समाप्ति के संबंध में आरोन जनपद पंचायत के समस्त रोजगार सहायकों ने आज मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती तीजा पवार को ज्ञापन सौंपा एवं समीक्षा बैठक का बहिष्कार किया एवं ग्राम पंचायत रामगिरी कला के रोजगार सहायक रघुवीर सिंह मीना को 3 दिवस के अंदर सेवा पर वापस लिए जाने की मांग भी की। ग्राम रोजगार सहायक सचिव कर्मचारी संघ के अध्यक्ष श्री जितेंद्र शर्मा ने बताया कि 3 दिवस के अंदर पुनः सेवा में नहीं लिया गया तो आरोन जनपद के सभी रोजगार सहायक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। कैसे मालूम हमको हटा दिया? आपका
आज जो मैडम कार्रवाई की गई है अमीना जी के ऊपर, किस कारण वश की गई आपके द्वारा? किस कानून के तहत? कारणवश। किस कारणवश? उसकी समस्त ग्राम पंचायत की जो प्रोग्रेस है, हम पिछले 6 महीने से लगातार उसको नोटिसेस देते आ रहे हैं, नोटिस के एक भी जवाब नहीं दिए, गति को देखते हुए की है कार्रवाई। तो जैसा कि हमने मीटिंग का बहिष्कार किया है और जो भी ज्ञापन दिया है कि आप इनका कहना कि आपने गलत किया है, कि ये बात सही हो रही है साबित होगी या? मैंने नियमानुसार कार्रवाई की है। अच्छा, यदि उसमें कुछ है तो ये ऊपर जाके उसको निरस्त करवा सकते हैं आदेश को। अपील में जाने का हक है ना हर किसी को, वो जाके अपील में आवेदन दे सकते। अभी इनने जो लापरवाही बरती है हाल ही में, वो कौन सी लापरवाही है जो जिसके कारण आपको ये कदम उठाना पड़ा इतना बड़ा कि उसको नौकरी से बाहर निकाला? लापरवाही तो बहुत बड़ी है। रिजेक्ट ट्रांजेक्शन वित्तीय अनियमितता में आता है, तो सबसे ज़्यादा रिजेक्ट ट्रांजेक्शन मजदूरी के इनके यहाँ के हुए हैं पिछले 3 वर्ष के, जो कि लगातार हम नोटिस के द्वारा इसको सूचना देते रहे, इसको क्लियर करवा लो, क्योंकि अगर बार बार वही चीज़ दोहराई जाएगी तो ये माना जाएगा ना कि आप गलत खाते जानबूझ कर दे रहे हो। किसी भी मजदूर का खाता यदि एक बार गलत हुआ, हमने मान लिया कि मिस्टेक से हुआ या खाता बंद होगा, लेकिन यदि वही खाता दोबारा रिजेक्ट हुआ तो भी हमने एक अवसर दिया, लेकिन अगर वो बार बार प्रक्रिया दोहराई जाएगी तो इसमें किसकी गलती है? डीजीएनए न्यूज में आज बस इतना ही, कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।